दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पर अगर टेम्परेरी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम जो वहां पर डीपी यानी कि प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं वहां पर परमानेंट सेट हो जाती है जब तक कि हम उसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 8 दिन के लिए कोई प्रोफाइल पिक्चर वहां पर ऐड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके बाद वो वहां से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए, उसको बोलते हैं टेम्परेरी प्रोफाइल पिक्चर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल पर टेम्परेरी प्रोफाइल पिक्चर किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। चलिए मैं अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पर टैप करना होगा। 3 डॉट पर टैप करने के बाद आपको जो प्रोफाइल नेम नजर आता है आपका, इस पर टैप करना होगा। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कैमरे वाले आइकन पर टैप करना होगा। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ऐड फ्रेम, टेक न्यू फोटो, सिलेक्ट प्रोफाइल वीडियो, सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ से आपको उस प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना जिसको कि आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। चलिए मैं सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर पर टैप कर देता हूँ तो यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो जाती है। अब यहाँ से हमें उस प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना जिसे कि हम यहाँ पे टेम्परेरी प्रोफाइल पिक्चर में लगाना चाहते हैं। चलिए मैं उस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेक टेम्परेरी। तो हमारे काम का यही ऑप्शन है, आपको इस मेक टेम्परेरी वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, यानी कि अगर आप इसको 1 घंटे के लिए लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाए तो आप यहाँ से 1 आवर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 डे के लिए लगाना चाहते हैं 1 डे के लिए लगा सकते हैं, 1 वीक के लिए लगाना चाहते हैं 1, और अगर कोई कस्टम टाइम आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो कस्टम टाइम भी सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं इसको यहाँ से 1 आवर के लिए लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 1 घंटे वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू बॉक्स में हमारा ये हाईलाइट हो चुका है कि 1 आवर के लिए यहाँ पे हमारी पोस्ट यहाँ पे टेम्परेरी रूप में लग चुकी है। इसके बाद ऊपर की साइड आपको जो सेव का बटन मिलता है आपको सेव वाले बटन पे यहाँ पे टैप कर देना है। बस दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है और ये टेम्परेरी प्रोफाइल पिक्चर हमने ऐड की है क्योंकि हमने इसमें टाइम सेट कर दिया 1 घंटे का। अब 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक प्रोफाइल पिक्चर हमारी यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमिंग भी लिखा हुआ है, इस पे आने लगा है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर में इस तरह की टेम्परेरी डीपी लगाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से इजिली लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।